एडमिशन शक्ति को लेकर एसएसपी के आदेश पर बी.एससी की छात्रा को एक दिन का थाना दक्षिण का कोतवाल बनाया गया। इस दौरान एक दिन की कोतवाल छात्रा ने पीड़ितों की समस्या सुनी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत रविवार को मुस्कान गर्ग नामक एक छात्रा को एक दिन का थाना दक्षिण का कोतवाल बनाया गया। छात्रा बीएससी की सीएल जैन कॉलेज की छात्रा है। एक दिन की कोतवाल बनी छात्रा ने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और जल्द ही समाधान करने का आदेश भी दिया। इस दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों जागरूक किया गया। आज थाना प्रभारी बनाया गया है आपको, क्या कहना चाहते हैं? सर, ये थाना प्रभारी बहुत बड़ी पोस्ट है। इसको सर मैं उसको जो भी मेरे पास फरियादी आएगा मैं उसकी निष्पक्ष जांच करूंगी, इसकी क्या प्रॉब्लम है, उसकी समस्या को हल करने की पूरी कोशिश करूंगी। क्या क्या आज आप कितने लोगों की फरियाद सुन चुकी हैं अभी सर? अभी एक मैम आई थी, उनका ब्लैकमेलिंग का केस था कि लड़के ने धोखा दिया है, लड़के ने शादी का वादा किया था लेकिन शादी नहीं किया, लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था, उसकी फोटो को ब्लैकमेल कर रहा है उसे। यातायात को लेकर के क्या कहना चाहिए? यातायात में ये कहना चाहूँगी कि एक गाड़ी पर मतलब कि जो टू व्हीलर गाड़ी होती है उस पर तीन लोगों को मतलब अलाउ नहीं है, तब भी इंसान बैठ के चलता है और हेलमेट का यूज़ नहीं करता। उसको हेलमेट का यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो तो अभी चल रहा है लेकिन उसके घर पर उसकी फैमिली वेट कर रही है उसका। अगर उससे कुछ होता है तो उसकी फैमिली का भी नुकसान होता है। तो किस तरीके के मतलब उनको नियम का पाठ पढ़ाया जाएगा? सर, उनको बताना चाहिए कि उन्हें हेलमेट का यूज़ करना चाहिए, अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो करना चाहिए, इससे खुद भी वो सेफ रहें और आसपास के जो भी उनके मतलब लोग हैं वो भी सेफ रहें। काबिलियत भी होनी चाहिए। और सर, मैं तो अपने सर तक थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी तो मेरी पोस्ट पर बैठा रहा हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मेरे पास अपनी कंप्लेंट मतलब अपनी समस्या लेकर आ रहा है मैं उसको सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी तक कितने मामले? सर, मतलब मैम आई थी, उन्होंने बताया कि लड़के ने शादी का वादा किया लेकिन शादी नहीं थी, मतलब उनसे मतलब उनकी ब्लैकमेल कर रहा है, उनकी फोटो लेकर।